मैं हूँ आरोही अग्रवाल BBF टीम से। हम यहाँ पे आए हैं, एक अम्मा जी हैं, तो उन किसी ने बताया हमें कि यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ में है अम्मा जी, तो हमारी टीम आज आई है उनसे बातचीत करने के लिए और पूछने के लिए। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या परेशानी उन्हें, आइए चलते हैं। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मंजुला। और क्या करते हैं, क्या आप? कुछ काम कर देती हूँ। क्या उम्र क्या होगी आपकी? मेरा 50 और 55 साल के हैं आप मंजुला जी। अच्छा, और घर पे अंदर चल के बात करें, बैठ के? चलो चलिए, आइए आइए दोस्तों, घर पे चल के बैठ के बात करते हैं इनसे, क्योंकि ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आइए बैठे। क्या आपसे खड़ा क्यों नहीं जा रहा था? आप बोले थे कि मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ आपका? पत्रिका ऑपरेशन हुआ और मगज का ऑपरेशन हुआ, इसलिए। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे, सर पे क्या हुआ था आपके? गांठ थी और पानी था। अच्छा, गांठ थी और पानी भर गया था, इसलिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हुआ है तो अभी अभी हुआ है? बड़ा नहीं, एक साल हो गया। एक साल हो गया तो उसके बाद फिर रिकवरी नहीं हुआ आपको? ठीक नहीं लगा? ठीक लगा था। तो फिर खड़े कैसे नहीं हो पा रहे? फिर क्या मालूम, दिखाया नहीं फिर डॉक्टर? दिखाता है, डॉक्टर बोला थोड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर चल नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर काम करते, वो भी नहीं सकते। अच्छा, उठ भी नहीं पा रहे थे? उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं सकती थी, अभी तो कुछ काम कर रहे थे। अच्छा, घर का काम कर लेती हूँ थोड़ा। और थोड़ा। कौन कौन है परिवार में? बस एक लड़का ही है मेरा, कोई नहीं है। आपके हस्बैंड? मेरा हस्बैंड मर गया। अच्छा, एक 2 महीना हुआ। बहुत दुख हुआ सुन के। 2 ही महीना हुआ है? 2 महीने हुआ अभी तो। नहीं नहीं, आप रोइए मत, लगा बात छोटा है। मैं मम्मी पप्पा मर गया, सासू ससुर मर गया। अच्छा, वो भी नहीं है? नहीं यार। सास ससुर भी नहीं है? नहीं यार। तो उन्हें क्या हो गया था? मेरा ससुर भी बीमार था। अच्छा, वो भी टीबी तो। और वो भी बीमार थे? वो भी बीमार था। क्या हो गया था उनको? इसको भी टीबी था। अच्छा, मेरा हस्बैंड की टीबी था। रोइए मत आप। टीवी था उनको? तो कितने टाइम से था ऐसा बीमार? हो कब का था? लगभग 20-22 साल से था। 20-22 साल से था उनको? पर मन गया था, अच्छा हुआ था, ठीक हो गए थे वो? ठीक हो गए थे, अच्छा था, फिर तो मर गए। डॉक्टर को दिखाया पहले, क्या बोला उन्होंने? दाखिल किया था, उन्हें बोला कि अच्छा हो जाएगा, पर स्वाद बहुत चढ़ता था, सांस चढ़ती थी, ठीक हो जाएंगे बोले। ठीक हो जाएंगे बोल रहे थे। मेडिसिन चल रही थी? बोले दवाइयाँ चल रही थी, सब चल रही थी, फिर भी नहीं फर्क लगा? नहीं फर्क लगा। फिर आप कैसे कर रहे? दिन मर गए दिवाली के दिन ही? कोई मैं तकलीफ हुई सुन के बहुत ज्यादा, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं। तो रोए नहीं, नहीं आप रोइए मत, रोइए मत, परेशान मत हो, आप रोइए मत। हमारी टीम BBF है। लड़का से उठा ही है बहुत, पढ़ नहीं पाता बेचारा, क्या करे, कोई फायदा नहीं है। क्या करते हैं वो, पढ़ाई करते हैं अभी बच्चे? 8 साल पढ़ा, नहीं पढ़ा ज्यादा। पढ़ाई नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, मेरा ऑपरेशन हुआ भी निकल गए बेचारे। अच्छा, तो घर खर्च चलना मुश्किल हो रखा अभी, क्योंकि आप भी काम नहीं कर रहे हो? नहीं कर रही, लड़का नहीं करता। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी परेशान है माँ जी। उनका कहना 2 महीने हो गए उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और काफ़ी तकलीफ में है, वो रोए जा रहे हैं। और बच्चा भी बोल रहे हैं कि पढ़ाई उसने 8वीं तक करी, उसके बाद फिर स्कूल छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो माँ को संभालने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ के और मम्मी की सेवा में लग गए वो। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने बोले कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा था, खड़ी नहीं हो पा रही थी, और कैसे तैसे करके उन्होंने अपने आप को संभाला। और अभी बोल रहे हैं, अभी भी मैं ठीक से किचन में मतलब खाना नहीं बना पा रही, आस पड़ोस में कोई आते हैं और बना के जाते हैं। तो अभी कहीं कुछ काम भी नहीं कर पा रहे होगे आप, कहीं जाके कागज भी ना करना, कुछ भी काम नहीं करते, काम कुछ नहीं कर पाते। हमारी टीम BBF है, ब्राउन बॉय फिटनेस के नाम से, मतलब घर घर जाके मदद करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है जिन्हें और जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उनकी तकलीफ वगैरह दूर करते हैं। तो हमने बताया भैया जी ने जो लेके आए कि अम्मा जी बहुत परेशान है, कोई नहीं है उनका करके, तो इसीलिए हमारी टीम आई है आपकी मदद के लिए। तो वही हम चाह रहे थे कि आपसे कि हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी, आप बताइए। मैं तो बोलती हूँ बस, मेरा
लड़के को पढ़ा, बस पढ़ा दे उनको, पढ़ा देंगे बिल्कुल। इसको तो बेचारे अच्छा लगेगा। आप रोइए मत, नहीं नहीं अच्छा रहेगा, आप रोइए मत। अभी हमारी टीम आ गई है ना, परेशान मत होइए। बहुत दुने के बाद आए मेरे, बस 20 साल हो गए फिर बचाया। अच्छा 20 साल के बाद बच्चा, इतना टाइम के बाद क्या मालूम बकान के देर। आप चिंता मत करिए, हम पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, उनको पढ़ाएंगे आप, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अम्मा जी अकेले रहते हैं और 2-3 महीना हुए उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो बच्चा भी छोटा है, तो वो भी क्या कर सकते हैं घर पे ये पढ़ाई छोड़ के। तो उनके मम्मी बोले कुछ काम देख ले, इससे अच्छा मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, घर कैसे चलेगा, खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। तो अब छोटे बच्चा है तो वो ढूंढ रहे हैं काम वगैरह कुछ कर लूँ करके, बट वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो अम्मा जी बोल रहे हैं कि आप एडमिशन करवा दो, मैं अपने बच्चे को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो हमने बोला है अम्मा जी को कि हमारी टीम उनको पढ़ाएगी, और उनको अभी इतने छोटे तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अम्मा जी का भी राशन की मदद कर देते हैं, कम से उनको खाने की तकलीफ ना हो, है ना अम्मा जी? राशन वगैरह आपके डलवा देते हैं तो कम से कम खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी आपको, है ना? और आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, चिंता मत करिए। दोस्तों हम चलते हैं अम्मा जी के लिए राशन लेने के लिए, कम से कम उनको खाने की जो प्रॉब्लम है वो तो ना हो, बाकी देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम राशन ले लिए हैं अम्मा जी के लिए, तो अभी लेके जा रहे हैं उनको देने के लिए। अम्मा जी आपका राशन है, ठीक है, ये आटा है, ये तेल है आपका 1 लीटर, ये बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह है, ठीक है, जो आपके बच्चे हैं, बच्चा है उसके लिए बिस्किट है, और ये मसाले हैं आपके सारे, ये चावल है, ये शक्कर है, ये आपका पूरा महीने का राशन है, ठीक है। अभी आप चिंता मत करिएगा, आप खुश हो ना, खुश है, आप रोइए मत, आपको खुश होइए, आपकी तकलीफ जो है, जो आपको राशन की दिक्कत थी वो आपकी दूर हो गई है, दूर हो गई है ना। हमारी टीम भी मदद करती है, जिन्हें जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, अकेले हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशान है, उनकी ग्राउंड लेवल पे जाके मदद करती है उनकी। हमें पता चला तो हमसे रहा नहीं गया, और आपकी जो कहानी सुन के काफी ज्यादा हमें इमोशनल हो गया, काफी दुख भरी कहानी है। अभी अभी गए हैं, 2 महीना हो गया, वो खत्म हो गया, तो काफी तकलीफ में हो आप, फिर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप भी काम करते तो कुछ आपको काम करके खुलवा देते आपके लिए, सही बात है, कि आप कुछ काम करके अपना घर खर्च चला लेते, आपको जो जो बीनने जाते थे आप, वो नहीं जाना पड़ता, नहीं पड़ता। पर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आप ठीक हो जाओ फिर आपके लिए काम खुलवा देंगे, आप तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है। जब तक आप ठीक नहीं होते आपको राशन वगैरह आता रहेगा, ठीक है। आप खुश हो ना, आप रोइए मत, आप रोइए मत, खुश हो, खुश हो बहुत, तुमने दिया सब, हमने नहीं, भगवान जी ने किया है, उनकी बस दुआ होती है और कुछ नहीं है। और बच्चे की पढ़ाई का भी हम करेंगे, उनका आधार कार्ड क्या है हमें दे देना, तो हम उनका दाखिला करा देंगे, आधार कार्ड फिर से पढ़ेंगे वो, ठीक है। और हम हैं आपकी जो भी तकलीफ रहेगी, ठीक है। बोल रहा था कि 10वीं परीक्षा दे दूंगी, ना 10वीं पढ़ाओ ताकि वो जॉब वॉब कर सके, कुछ बन सके। बोल रहे थे परीक्षा दे दू 10वीं, कोई कहीं काम काम मिल जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान तो बोल रहे हैं काम दे जाऊंगी, नहीं नहीं कोई बात नहीं। दोस्तों अब जैसे कि देख सकते हैं कि अम्मा जी काफी परेशान थे, और छोटा है उनका बच्चा भी, तो उनका कहना है राशन वगैरह की भी तकलीफ थी, कुछ भी नहीं था, जो पड़ोस में देते हैं वो ले आते हैं, तो और खाना भी वही बना के जाते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, ऑपरेशन पथरी का भी हुआ है, और ये दिमाग में भी कुछ हुआ है, तो इनका कहना मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ, और खाना वगैरह जो है वो मैं नहीं बना पाती, तो पड़ोस में आके कोई बना देते हैं, और वो लोग ही दे के जाते हैं, तो इनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा है, ऐसे ही, मतलब ठीक से तो नहीं चल रहा है पर चल जा रहा है। तो हमारी टीम ने इनकी मदद करी, जैसे कि आप जानते हैं हमेशा कि हमारी टीम देख नहीं सकती, इतनी तकलीफ में है, जब अम्मा जी इतनी तकलीफ में है वो नहीं देख सकते, हमेशा आप देखे हैं कि हमें जरूरतमंद की मदद करी है, तो आज कैसे चुप रह सकती थी हमारी टीम।